नमस्कार आदाब न्यूज़ क्लिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे शिमला में जो पानी का संकट चल रहा है और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर तिकेंद्र जी हमारे न्यूज़ क्लिक में बहुत बहुत स्वागत आपका बहुत तो सबसे पहले तो यही कि ये पानी का संकट दरअसल है क्या किस वजह से हुआ है और इतने बड़े स्तर पर किस तरीके से संकट आ गया शिमला में पानी देखिए मैं सब आपको ये समझता हूँ तीन कारण मुख्य हैं इसके आ, आ, संकट तो बहुत ही गंभीर है ये सामने लेकिन ये अप्रत्याशित कभी नहीं हुआ आज तक इतिहास में इतना बड़ा संकट नहीं हुआ है कि लोगों को दस दिन के बाद पानी मिल रहा है आप ये हिसाब लगाएं कि महीने में सिर्फ तीन दिन लोगों को पानी मिल रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ है आ, ये क्यों हुआ है उससे पहले क्यों गर्मियों में थोड़ा पानी की वहाँ समस्या रहती है उसका कारण पहला तो मैं ये समझता हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो जलवायु परिवर्तन है उससे पहाड़ों में और ख़ासकर उत्तरी भारत में क्या हो रहा है कि बर्फ़ कम पड़ रही है आ, और स्नो लाइन रिसीड कर रही है मतलब स्नो लाइन और पहाड़ से ऊपर की तरफ जा रही है आ, बारिश जो है वो ज़्यादा पड़ रही है लेकिन उसका जो स्पैन है वो कम अंतराल पर हो रहा है जैसे पहले मान लीजिए आपका सौ दिन बारिश थी अभी बारिश हो रही है सत्तर दिन या अस्सी दिन लेकिन बारिश ज़्यादा आ रही है तो वो फ्लडिंग हो रही है तो पहाड़ में जो और जो जो पानी रिटेंशन होना चाहिए वो रिटेंशन कम हो रहा है तो इस तरह से जो हम स्कीम्स डिज़ाइन करते हैं जैसे शिमला की जो डिज़ाइन स्कीम्स हैं वो करीब पैंसठ एम एल डी सत्तर एम एल डी उसका मतलब है सत्तर मिलियन लीटर पर डे मतलब सात करोड़ लीटर पानी के लिए बना हुआ बहुत पानी के लिए वो कैपेसिटी का है लेकिन अभी आप देखेंगे गर्मियों में मुश्किल से हमें मिल रहा है शिमला में तीस से मिल मतलब तीन करोड़ लीटर ये पानी वहाँ पर मिल रहा है तो ये तो एक है है मतलब लेकिन ये संकट नहीं कर सकता है ये ये समस्या खड़ी कर सकता है लेकिन संकट इससे नहीं हो सकता है संकट का बड़ा कारण जो है वो मेरा यह मानना है कि जो मौजूदा व्यवस्था है वहाँ पर जो प्रशासन है उसकी वजह से ये कोई 70 परसेंट या 80 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन उस प्रशासन की वजह से है क्योंकि अगर आप पिछले पाँच साल देखेंगे पाँच साल हम लोगों भी शहर में सेवा करने का मौका मिला 2012 से 17 सी की तरफ से मेयर डिप्टी मेयर थे और बाकी सिर्फ दो काउंसिल थे लेकिन तेईस लेकिन फिर भी हमने कहा कि ये सी की ही जिम्मेवारी है तो गर्मियों में ये सब कुछ होने के बावजूद भी गर्मियों में तीन करोड़ लीटर से ज़्यादा पानी नहीं मिलता था तो तीन करोड़ लीटर पर भी वो पूरा का पूरा पानी वहाँ बंटता था हर रोज़ बँटता था या ऑल्टरनेट डेज़ पर बंटता था जो दूसरा जो बड़ी इसमें समस्या है जिसमें मैं आता हूँ कि क्यों ये प्रशासन का बड़ा फेलियर है एक जो पांच मेजर सोर्स हैं जहाँ से पानी शिमला को लिफ्ट होता है एक अश्वनी खड़ है जो सबसे बेहतरीन पानी का आप कह सकते हैं क्योंकि शिमला में ग्राउंड वाटर से पानी नहीं उठाया जाता सरफेस वाटर ही है साफ पानी मिलता है लेकिन अश्वनी खड़ जो उन्नीस सौ में उन्नीस सौ खड़ चल रही थी लेकिन 2005 में वहाँ पर अश्विनी खड्ड के ठीक पाँच किलोमीटर ऊपर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया और उसने कंटामिनेशन कर दी और हर अल्टरनेट साल पर वहाँ पर जॉन्डिस पीलिया फैलना शुरू हो गया ये बीजेपी कांग्रेस जब तक वहाँ पर थी क्योंकि उन्हीं के समय में हुआ और पहले पानी की सप्लाई सरकार करती थी डिस्ट्रीब्यूशन का काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करता था तो यह सरकार बीजेपी की रहती थी कांग्रेस की रहती कभी उन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया लेकिन जब हम लोग थे दो में ये फिर एक एपिसोड हुआ और उसको हमने सीरियसली लिया इसलिए हमने जो अश्वनी खड्ड है उस पानी को पूरा बंद कर दिया वहां से उठाना वो भी एक संकट को बहुत बढ़ा रहा है वो इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वहां से करीब एक करोड़ लीटर पानी वहां से लिफ्ट होता था, था तो वो सिवर का पानी बड़ा सिवर का पानी लेकिन हमने उसको बंद कर दिया तो वो पूर्ति भी नहीं हो रही है हालांकि और लीकेज है फिर जो दूसरा बड़ा कारण उसमें ये है कि करीब 40 से 50 परसेंट लीकेज है क्योंकि ब्रिटिश के टाइम की पाइपलाइन वहाँ बिछी हुई है तो वो भी हमने प्लग की थी पहले जिसकी वजह से गिरी एक बड़ी स्कीम है जहाँ से दो करोड़ लीटर पानी लिफ्ट होता है शहर में लेकिन वहाँ से अस्सी लाख लीटर नब्बे लाख लीटर से ज़्यादा पानी नहीं होता तो हमारे टाइम में हमने उसमें पैसा लगा उसको करीब दो करोड़ से भी ज़्यादा लीटर पानी पर लाए हैं तो ये सब कहने के बावजूद पानी की समस्या है लेकिन संकट जो हुआ है जैसे मैंने कहा कि ये प्रशासन का बड़ी कमज़ोरी है क्योंकि एक तो जो हमने टीम बिल्ड की थी वो टीम के जो ऑफिसर्स थे वो ट्रांसफ़र कर दिए अभी वहाँ पर हम लोग नहीं थे और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब गर्मियों में संकट हो रहा है तब हमारी जो मेयर हैं वो चीन घूमने गई हुई हैं तो वो जो कंट्रोल प्रशासन पर होना चाहिए एक तो ऑफिसर्स ट्रांसफ़र कर दिए और ख़ुद जो इलेक्टेड लोग हैं उनका जो कंट्रोल होना चाहिए वो बिल्कुल फ़ेल हो गया और ये पूरा का पूरा जिसको हम बोलते हैं क्योस हो गया मतलब किसी को पता नहीं था कि कैसे पानी डिस्ट्रीब्यूट होना है तो उसमें वीआईपी कॉलोनीज़ में तो पानी जा रहा था जैसे अभी दो दिन पहले जो डीसी है उन्होंने पकड़ा के जो बीजेपी के एक विधायक हैं उनको 24 घंटे पानी मिल रहा था कि उन्होंने मेन लाइन से पानी उनको देकर रखा था तो ऐसे ऐसे भी बहुत सारे केसेज हैं तो जैसे अभी सत्ताईस एम एल डी अट्ठाईस एम एल डी पानी आ रहा है मतलब दो करोड़ अस्सी लाख लीटर पानी आ रहा है शहर की आबादी है दो लाख लोग और करीब एक लाख लोग टूरिस्ट आते हैं जाते हैं तो आप मानकर चलें कि इस इस पूरे पानी से आप ऑल्टरनेट दे सकते हो पानी क्योंकि आपको अगर 120 लीटर पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति अगर 120 लीटर पानी चाहिए तो आपको करीब दो करोड़ पचास लीटर पच, दो करोड़ पचास लाख लीटर पानी हर रोज चाहिए इतना पानी आपके पास है चलिए आप हर रोज़ नहीं दे सकते आपकी कुछ लीकेज में जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में लेकिन इतना तो आपको मिल रहा है तो आप ऑल्टरनेट तो दे ही सकते हैं और ऑल्टरनेट बहुत अच्छी तरह से शिमला में चल रहा था लेकिन अभी दुर्भाग्यपूर्ण ये करीब दस दिन बाद पानी मिल रहा था और लोगों ने बहुत रोष इसका प्रकट किया आपने प्रशासन की फेलियर की बात की और मेयर की भी बात की जो चीन यात्रा पे चली गई क्या आपको लगता है कि क्योंकि जब आप लोग वहाँ के मेयर आप डिप्टी मेयर थे उस दौरान शिमला एक सिटी के तौर पे काफ़ी उसमें डेवलपमेंट्स हुई तो आपको लग रहा है कि वो सारी चीज़ें जो आपके दौर में या अब तक की हाँ, उनको कहीं मुझे मुझे लग रहा है वो निगेट बहुत हम हाँ, क्योंकि हमने ऐसा नहीं था कि वो हमारे तक ही सीमित रहनी चाहिए थी हमने इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया था उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ जैसे पानी की जो सप्लाई थी वो सप्लाई सरकार देती थी जैसे मैंने आपको कहा कि जिससे जॉन्डिस भी फैला वहाँ पर तो वो सप्लाई का, का काम सरकार करती थी डिस्ट्रीब्यूशन का, का काम सिर्फ हमने इसको तोड़ा हमने कहा ये मेथड ठीक नहीं है एक की जिम्मेवारी होनी चाहिए तो हमने एक ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सिवरेज सर्कल बनाया जी एस डब्ल्यू एस एस सी अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसे ही था और हमने काफी लड़ाई लड़के सरकार से सबको और एक ट्राई पटाइट एग्रीमेंट किया जिसमें म्युनसिपल कॉरपोरेशन प्रदेश की सरकार और वर्ल्ड बैंक क्योंकि वर्ल्ड बैंक वहाँ काफ़ी पैसा मैं इस पर भी आऊँगा कि पैसा बेशुमार है पैसे की कमी नहीं है वहाँ पर तो ये एक एग्रीमेंट किया जिससे हमने ये कहा कि एक सिंगल यूटिलिटी चाहिए जिसकी जवाबदेही होनी चाहिए और आपको याद होगा आपके यहाँ पर न्यूज़ क्लिक पे हमने पहले भी इस बात की बहस की है जहाँ पर मैंने खुद एफआईआर की थी उन ऑफिसर्स के खिलाफ जिनकी वजह से पीलिया फैला था जिन्होंने देखा ही नहीं कि सिवरेज ट्रीटमेंट होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए वाटर ट्रीटमेंट और वो लोग काफ़ी समय तक जेल में भी रहे तो उसकी संघर्ष के बाद वहाँ पर एक ये यूटिलिटी बनी थी लेकिन बीजेपी की नगर निगम आते और उनकी सरकार बनते उन्होंने उसको तोड़ना शुरू किया उसके ऑफिसर्स को छिन बिन शुरू किया क्योंकि वो काडर तो बहुत जरूरी था इंपॉर्टेंट था और अभी उसकी खूबसूरती ये तो ठीक है कि पानी के वहाँ संकट है लेकिन आप पानी वहां नलके से पी सकते हैं क्योंकि वो प्रोटोकॉल स्टैब्लिश किया गया था प्रोटोकॉल ऐसा था कि सोर्स से पानी और डिस्ट्रीब्यूशन तक ये पूरी जिम्मेवारी एक आ, मतलब आप यूटिलिटी कह सकते हैं जिसको हमने नगर निगम के अधीन किया था तो ये सारा टूट रहा है ये मतलब ये दुख हमें लग रहा है पा इसलिए मैं कह रहा हूँ मतलब ये एक्चुअली बहुत बड़ा फेलियर है प्रशासन का पानी का तो हमें मालूम ही है कि इस तरह जब तक हम पेरनियल सोर्स से पानी नहीं लाएंगे वो हमारे लिए एक संकट रहेगा मतलब वो एक चिंता का विषय रहेगा लेकिन उसका संकट बन जाना उसका क्राइसिस बन जाना और लोगों का हर रोज़ सड़क पर आना दस दिन बाद पानी मिलना ये अपने आप में बहुत भयानक स्थिति है और ये इसकी वजह ये है कि जो वो यूटिलिटी हमने बनाई थी उसको आस्था आस्ता उन्होंने तोड़ा है और कहीं हम लोग जो बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं उसमें यह भी निकल कर आता है वो लोग इसको प्राइवेट भी करना चाहते हैं तो वो भी एक चैलेंज है क्योंकि जो हम जो हमने बिल्ड की थी जिससे एक सिंगल यूटिलिटी ताकि वो मतलब म्यूनसिपलाइज हमने किया था वर्चुअली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाहर रहे उसको भी वो थोड़ा छिनबिन करना चाहते हैं तो इसलिए एक जो सेक्शन है बीजेपी का वो तो खुश है कि पानी का जितना संकट गहराएगा उनके लिए उतना आसान होगा छुटकारा पाना पानी की डिस्ट्रीब्यूशन से ताकि वो आसानी से जैसे दिल्ली में आपने पूरा बिजली प्राइवेट करके रख दिया है तो अभी अगली दिल्ली जल बोर्ड की बारी अगली है तो ये भी एक चैलेंज वहाँ पर है तो ये एक दुख है कि हमने जो वो बिल्ड की थी उसको आ, मतलब इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है आ, ये जो पानी का संकट चल रहा है इससे जाहिर सी बात है कि वहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत असर पड़ रहा होगा और शिमला की आ, एक बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट है और वहाँ की काफ़ी हद तक उस ब्रेड एंड बटर, बटर है इनफैक्ट लोगों की रोजी रोटी चलती है टूरिज्म के आधार पर तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या मतलब ऐसे ये भी बोला जा रहा होगा कि नहीं जी गर्मियों की छुट्टी में लोग आ आ गए हैं हाँ, तो इसके पानी का संकट देखिए अगर आप आ, अभी पिछले कल जो लंदन में खबर छपी गार्डियन में और एडवाइजरी दिखाई गई कि प्लीज़ आप शिमला मत आए लेकिन वो होटलियर्स की तरफ से नहीं वो वहाँ के लोगों का एक गुस्सा सामने नजर आया है तो उसे चैलेंज तो हुआ है आप होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का मैं बयान देख रहा था उन्होंने ये कहा है कि करीब 40 परसेंट उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई है और आप ये लगाएं कि शिमला की जो आबादी वो दो लाख है लेकिन 40 से 45 लाख टूरिस्ट आते हैं साल में तो आप से 20 गुना ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वही वहाँ ब्रेड एंड बटर है लोगों की गाड़ी चलती है होटल चलते हैं होटल पे लोग काम करने वाले चलते हैं जो कुली है उनका उनका रोज़ी रोटी वहाँ चलती है तो पूरा एक इस तरह की इकोनमी वहाँ पर है और हमने कभी भी नहीं कहा कि वो ना आए क्योंकि यही सीज़न है जब उनको आना भी चाहिए और उनकी रेगुलेशन होना चाहिए वो बात अलग है लेकिन उनको आना चाहिए और इसलिए हम लोगों ने मतलब गवर्नमेंट से साथ में हमारी पार्टी ने वहाँ इंटरवीन करके ये कहा है कि आप इस तरह की एडवाइजरी को रोकें और हस्तक्षेप करें लेकिन आप हैरान होंगे अब हस्तक्षेप कोर्ट कर रहे हैं मतलब चीफ जस्टिस ने खुद ऐसा लग रहा है कि अब चीफ जस्टिस जो है वो कमिश्नर के रूप में काम कर रहे हैं क्योंकि वर्चुअल अगर आप देखेंगे पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए थोड़ा उसका असर तो नज़र आ रहा है अभी क्योंकि थोड़ी स्ट्रिकनेस है तो किस लोकेलिटी में कब पानी मिलना चाहिए वो अब कोर्ट कर रहा है क्योंकि कोर्ट में खुद वकीलों ने एक दिन हड़ताल कर दी आ, मतलब वकीलों ने काम रोक दिया एक्चुअली क्राइसिस है और मैं आपको बता रहा हूँ ये जैसा हम केप टाउन में जो राइट्स हमने सुने पानी को लेकर ये शिमला में राइट्स हो सकते हैं क्योंकि मारपीट होना शुरू हो गई है लोग बहुत परेशान हैं लोग बहुत ज़्यादा उनको परेशानी उससे हो रही है तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है इमीडिएट ये है कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर किया जाए और लॉन्ग टर्म यह है कि जो कोल्ड डैम से हम पानी लाने की बात कर रहे हैं आ, जिसमें करीब सौ एम एल डी सौ एम एल डी का मतलब ये है कि दस करोड़ लीटर आ, पानी है क्योंकि अभी तीन करोड़ या चार करोड़ लीटर आता है इससे करीब तीन गुना ज़्यादा पानी लाने का योजना है और उसके लिए तो आखिरी सवाल यह कि, तो कि प्रशासन चीजों को किस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन अगर जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए भी संकट से उबरने की तो जरूरत है तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या किया जाना चाहिए इसके देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि पांच साल तक ये संकट और गहराने वाला है शिमला में क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उससे वो संकट से बाहर नहीं निकल सकेंगे दो काम होने चाहिए एक तो शॉर्ट टर्म जो क्विक मेजर्स हैं जो हो सकते हैं जिसको हमने पाइपलाइन में डाला था और एक है जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में तो ये है कि शिमला में अभी भी लोग कैसे जी रहे हैं फिर अगर पानी दस दिन बाद मिल रहा है तो जी तो सकते नहीं थे पानी के बिना तो शिमला के आसपास करीब पचास के बाउड़ियाँ हैं जिसको हम बाउड़ी बोलते हैं ये वाटर सोर्सेज हैं और ये बहुत पहले के ज़माने से हैं लोग लेकिन ये कंटामिनेट हो गए हैं इसमें मतलब थोड़ा पोल्यूशन हो गया है क्योंकि इसमें फीकल मैटर मिल चुका है ये सब कुछ है तो वो कॉरपोरेशन ने ये कह दिया था कि पीने लायक पानी नहीं है लेकिन लोग वही पानी को पी रहे हैं उबाल के जैसे भी कर रहे हैं एक तो उनको ठीक करने की ज़रूरत है तुरंत और वो हो सकता है उसमें पानी है डिस्चार्ज ऑलरेडी है उस पानी में और हमने अपने समय में उसका एक एस्टिमेट करवाया था उसके हिसाब से उसकी जो पूरी क्षमता है ये करीब एक करोड़ लीटर है पच्चीस परसेंट की जो ज़रूरत है शिमला को वहीं से पूरा हो सकता है तो ये करने की ज़रूरत है ताकि इन बॉडी में हमने दो बाउडियों पर काम किया था जिसका रिजल्ट भी सामने है और इसलिए बड़े मज़े की बात है नॉर्मली ऐसा होता है कि स्लम्स में सबसे पहले प्रॉब्लम होनी चाहिए लेकिन स्लम्स में कोई भी शिकायत नहीं है शिमला में क्यों क्योंकि जो हमारा स्लम का एरिया है जिसको हम कृष्णा नगर या लद्दाखी मोहला बोलते हैं वहाँ पर ट्रेडिशनल पुरानी बॉडियाँ लद्दाखी बॉडीज को कहते हैं क्योंकि लद्दाख से एक मस्जिद थी इसलिए उसका नाम लद्दाखी मोहल्ला है वहाँ पर हमने थोड़ा काम किया था और ये हमने एक यूरोपियन यूनियन से ग्रांट लेकर उसको रिजुविनेट बॉडी को किया था और वो पहले से चल रही है तो वहाँ से उसी से ही लोग वहाँ ज़िंदा हैं वहीं से पानी चल रहा है तो ऐसी करीब हर लोकेलेटी में आपको मिल जाएंगी शिमला में वो करने की ज़रूरत है तुरंत और ये हो सकता है ये मुश्किल काम नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें सस्टेन नहीं कर सकते शहर में क्योंकि शहर बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा है मतलब क्यों, क्योंकि उसका जो लैंड मैस है उस आ, जो आ, पूरा जो उसकी ज़मीन है वो ज़मीन में फ़ॉरेस्ट फिफ्टी परसेंट है तो वहाँ नहीं बढ़ सकते बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है तो करीब फिफ्टी परसेंट ज़्यादा ज़मीन जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के आसपास के पास है बाकी ज़मीन लोगों के पास है तो जो दूसरा शॉर्ट टर्म इमीडिएट मेजर करने की ज़रूरत है कि जैसे बड़े बड़े वहाँ ऑफिस हैं स्टेट का सेक्रेटेरिएट है एस डी ए कॉम्प्लेक्स है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं इनमें सुनिश्चित करना चाहिए इनका रेन वाटर हार्वेस्ट के आधार पर ही जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट इन ऑफ एडवांस स्टडीज है वहां भी उनका बड़ा टैंक है उसी के आधार पर वो चलते हैं तो ये करने की जरूरत है क्योंकि सबसे बड़ा जो पानी का जिसको सप्लाई जाती है वो तो स्टेट गवर्नमेंट है तो वो स्टेट गवर्नमेंट अगर खुद उसको बेयर कर लेगा तो बहुत सारा पानी बाहर से लाना से बच जाएंगे आप तो अगर अपना पानी ही इस्तेमाल करें सौ किलोमीटर दूर से पानी क्यों लाएं एक तो ये करने की जरूरत है यह अनफॉर्चुनेटली बहुत स्लो है इसमें कोई नहीं कर रहा इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म जैसा मैं कह रहा हूं कि शहर में अब मतलब अब आप इतनी गर्मी पैंतालीस डिग्री है वहां पर आपको सत्ताईस अट्ठाईस डिग्री है तो लोग आएंगे आप नहीं रोक सकते लोगों को आने से जो कोल्ड डैम से हम लोगों ने प्रपोजल बनाया था जो मैं कह रहा था ये एग्रीमेंट है वर्ल्ड बैंक के साथ वो बहुत तेज़ी से एक्सप्राइट करने की ज़रूरत है इनफैक्ट दो साल पहले वो शुरू हो गया था अभी तक उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जानी चाहिए थी डैम इतना पानी कि फिर शायद अगले सौ साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और सोर्स से क्योंकि वो पेरिनियल सोर्स है मतलब वो सदा बहार सोर्स है और इनफैक्ट जो कोल डैम की सतलुज नदी है वो सर्दियों में सूख जाती है गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाती है वो उल्टा वहाँ पर होता है क्योंकि बर्फ़ मेल्ट करती है बर्फ़ की वो है तो जब ज़्यादा पानी चाहिए तब उसमें ज़्यादा पानी है मुझे लगता है कि वो थोड़ा स्पीड अप करने की ज़रूरत है और मतलब इसको एक क्राइसिस और वॉर पेस इसको हम कहते हैं कि युद्ध स्तर पे काम करेंगे तो बचेंगे नहीं तो ये अगले साल फिर क्राइसिस आएगा और अगले साल फिर लोग ऐसे इमीडिएट उसकी सोल्यूशन ढूंढेंगे और एक सी सोल्यूशन नहीं निकलेगा चलिए उम्मीद करते हैं कि वहाँ का प्रशासन जागे और इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू करें हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद